हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। जैसे कि मैंने बोला था कि आज मुझे जाना है ससुराल, तो अभी हम लोग जो है निकल मतलब आ चुके हैं, ससुराल पहुंच चुके हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे आके, जैसे मैं आई थी, जैसे मम्मी खाना वगैरह बना रही थी, बात हो रही है। हम लोग आके पहुंचे यहाँ पे 7:30 बजे और मम्मी मैं आई थी, तब तक उन्होंने चावल का जो मीठा लपटा होता है वो बना लिया था और सब्जी बना ली थी और पूरी बना मैंने बनाई है। नहाए धोए हम आके वहाँ से, क्योंकि पूरे रास्ते में मिट्टी मिट्टी नन्नू ने उल्टी कर दी। और दूसरी बात जो है ना, नन्नू गाड़ी में जब भी बैठती है तो इसको हमेशा उल्टी आती है, पता नहीं क्यों, और शीशा खुला करके बैठती है। तो पूरे हो चुके थे मिट्टी के, तो मैंने नन्नू को नहलाया, अदिति को नहलाया और मैं खुद नहाई। उसके बाद थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी ड्रेस चेंज करी, ये वाली डाली है, सूट पहन के आई थी मैं वहाँ से। तो कल है सीढ़ी आठे, ये वाला ब्लॉग जो है वो कल के ब्लॉग, जो सीढ़ी आठे वाला ब्लॉग और ये दोनों साथ साथ में आएगा। तो मैं बता देती हूँ रसोई में मम्मी ने क्या क्या बना के रखा है खाना। हमारे यहाँ पे ये सीढ़ी आठे वाली जो पूजा होती है, ये वो करते हैं जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और मतलब करते तो सभी लोग हैं पर बच्चों के लिए मेनली होती है ये पूजा, तो बच्चों के लिए ज़्यादा की जाती है हमारे यहाँ पे। और शाम को खाना बना के रख देते हैं, सुबह पूजी जाती है। फिर सुबह मम्मी 5 या 4 बजे चल जाएगी पूजने के लिए। मैं देखती हूँ जाना होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हैं घर पर, दीदी के, नंद के बच्चे हैं, दोनों यहीं, नंद गई है जयपुर और मेरे दोनों बच्चे हैं, तो दोनों को, चारों को लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जाना होगा या नहीं होगा वो मैं आपको बता नहीं सकती अभी, तो कल सुबह मिलते हैं। पहले मैं आपको एक बार खाना बता देती हूँ कि मम्मी क्या क्या खाना बनाया है, फिर कन्या वगैरह जिमेंगी कल सुबह, कन्या वगैरह आएंगी तो उनको जिमाएंगे, तो वो ब्लॉग इसी के साथ आएगा। तो मैं आपको पहले खाना बता देती हूँ और इस ब्लॉग को फिर सुबह स्टार्ट करूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और आके फिर मुझे जाना है मार्केट, तो मार्केट से एक तो मुझे मंगलसूत्र सही करवाना है और भी बहुत सारे काम करवाने हैं। अगर मेरे से हो जाएंगे तो पक्का मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और आज फिर कल इसके एक दिन बाद में, मतलब कल ना है पौंडीचेरी के लिए ट्रेन है हमारी, तो आज का दिन एंजॉय कर लेते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फीवर आ रहा है, क्या पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है बिल्कुल, जाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जाने के नाम सुन के, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है इस चीज़ को सुन के कि जाना पड़ रहा है। उधर से आते हैं तो बड़ी खुशी खुशी आते हैं, पर इधर से जाते हैं तो बड़ा दुखी होके जाते हैं अपन लोग। पर अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जाने का, बोल रहे हैं मतलब टिकट हो चुका है उसकी वजह से, पर अदिति के स्कूल भी खुल चुके, 1 महीना स्कूल चलेगा, उसके बाद 45 डेज की फिर से उसकी छुट्टी है, तो तब तो आना होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, देखते हैं। पर अभी तो जाना है पहले, तो आज चल मतलब आज मार्केट वगैरह चलूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें लानी है, जैसे कि मुझे बेडशीट लानी है, मंगलसूत्र सही करवाना है, मेरी ये रिंग टूटी पड़ी है इसको सही करवाना है, नाक के लाने हैं, कान के लाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। जो भी मेरे से हो पाएगा पक्का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हम लोग आ चुके हैं गोल्ड की दुकान पर, यहाँ पे मुझे अपना मंगलसूत्र जो है वो है सही करवाना था। तो आप लोग मुझे बताना इसमें से कौन सी वाली डिज़ाइन आपको सबसे अच्छी लगी। मुझे सबसे अच्छी डिज़ाइन लगी वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी चॉइस थोड़ी सी अलग है, आप लोगों की चॉइस कैसी है ज़रूर बताना कॉमेंट करके, आपको कौन सा वाला पसंद आया और उसका स्क्रीन शॉट लेके आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हो, नन्नू मीना 545, और किस किस की चॉइस कैसी है वो वहाँ पे पता लग जाएगा। तो आप लोग मुझे स्क्रीन शॉट लेके भेज सकते हो। मुझे एक तो ये वाला पसंद आया था और एक और डिज़ाइन थी जो मैं अभी यहाँ पर तीर का निशान लगा दूँगी, वो आप देख लेना। तो ये बिस्किट थी चांदी की, तो कोई जब हम दुकान पे बैठे थे तो उन्होंने निकाल, कोई लेके आया था उनका जो कस्टमर था वो, तो उन्होंने पूरा चांदी जो भी होता है उसका पूरा ऐसा करके बिस्किट बनवा लिया। और ये बिस्किट एक ही जो मेरे हाथ में थी ये पूरी की पूरी 5 किलो की थी, और टोटल जो सामने दिख रहा है उसमें वो 7 किलो का था। 5 किलो की होगी, एक ही ऊपर वाली 5 किलो की होगी। एक कितने किलो रोटी खाई? 5 5 रोटी खत्म हो गई है यहाँ पे, 5 ये देखो, एक एक बसी है यहाँ पे, और ये झूठे हो रहे हैं यहाँ पे, 2 रोटी खाई है मैंने, 2 ही खाई है मतलब। मांजा और यहाँ पे देखो मम्मी ने बस 2 ही खाई है, तो रोटी 1 2 3 1 2 3 4 तो इधर 4 ये इधर हो रही है खाना पीना, बता दूँ आपको।
वो देखो कैसे खिचड़ी करके खा रहा है रिमोन चाचा। हेलो जी, और अभी हो रहा है शाम का टाइम और राजकुमारी दीदी आई हुई है। वो जयपुर गई थी, उनका प्लॉट उन्होंने वो लिया है, फ्लैट लिया है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको फिक्स करने के लिए, मतलब उनका कुछ एडवांस बच रहा था उसको देने के लिए गए थे, तो वो आ चुके हैं। फिर उसके बाद में सामान वगैरह पैक करना है मुझे, बैग वगैरह पैक करने हैं क्योंकि कल निकलना है। और सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और सूट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पर और अदिति और नन्नू की तबीयत भी थोड़ी डाउन है, नन्नू को फीवर आ रहा है और थोड़ी सी उसको जुकाम खांसी भी है, बट देखते हैं कितना क्या होता है। जाना है कल, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो नहीं जाऊँगी, अगर ठीक ठाक रही तो ही जा पाऊँगी कल। तो अभी शाम को सब लोग यहीं पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी इकट्ठे होते हैं हम लोग, हर टाइम पे नहीं हो पाते क्योंकि सब लोग अपना अपने काम में बिजी रहते हैं। दीदी भी बहुत कम आ पाती है, उनके बच्चों का स्कूल रहता है और जियाजी भी मतलब ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, तो रात को आते हैं सुबह के जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। पर अभी दीदी वगैरह यहीं है, दीदी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनकी ड्रिप चढ़ रही है, मतलब बोतल चढ़ रही है उनके। रास्ते में वो गई थी जयपुर, तो उनके क्या थोड़ा सा उल्टी और दस्त वगैरह लग गए, उनके बॉडी में पानी की कमी आ गई, तो उसकी वजह से तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। बट कोई ना, कल निकलना है, उसी को देख के मेरी भी तबीयत ख़राब सी लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी सी। मेरा बात करने का भी बिल्कुल नहीं मन कर रहा, सूट करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा वीडियो का, बट आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। हो चुका है अगले दिन नेक्स्ट डे, और हम लोग जाने वाले हैं, अभी निकलने वाले हैं। खाना वगैरह मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 बजे का। वही ड्रेस डाल ली थी रात को मैंने, ये खोल के रख दी थी, और उसके बाद फिर से मैंने यही डाल ली क्योंकि उसको धो के सुखाती फिर वो यहीं पर रह जाती है, इसकी वजह से मैंने इसको वॉश नहीं किया। इसी को पहन के जाऊँगी, फिर ट्रेन में चेंज कर लूँगी, दूसरी ड्रेस कुछ भी नॉर्मल ड्रेस डाल लूँगी। तो सारा बैग वगैरह पैक हो चुका है और सामान वगैरह सब कुछ हो चुका है, खाना बन चुका है, और प्रमोद भैया आए हैं, देखते हैं कौन कौन जाता है छोड़ने के लिए। बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है। कौन है, कौन है? अरे डॉगी है, ये नन्नू है ना? चाचू को फोड़ दिया था। और हम लोग निकल चुके हैं पौंडीचेरी के लिए, और आज हम लोग बैठेंगे जो धौलपुर है वहाँ से, धौलपुर से ट्रेन है हमारी सीधी चेन्नई के लिए, वो शायद 36 घंटे कुछ करके ले रही है, और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों से बात करूँगी क्योंकि अभी तो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी से छोड़ देंगे हमको स्टेशन पर, उसके बाद में अभी ट्रेन में बैठना है। और अभी हम धौलपुर पहुँच चुके हैं, और हम लोग रात को बैठे थे, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नागपुर के आसपास। तो नागपुर के आसपास अपने आप पता लग जाता है स्टेशन आने वाला होता है, तो आसपास जो खेती होती है वो सिर्फ ऑरेंज की होती है, तो सामने जो पेड़ दिख रहे हैं आपको वो सारे के सारे ऑरेंज के हैं, और जो मौसमी संतरा बोलते हैं उसके, पर ये बहुत अलग वेराइटी के थे। अभी तो सर्दियों में आती है, अभी तो एक भी पेड़ में ऑरेंज नहीं थी। यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाए कॉफी। क्या कर रहे हो? हम लोग बल्लार साहब पहुँच गए और ट्रेन में पहुँच गए, और इतनी देर से हमने बिल्कुल बात भी नहीं करी किसी से, और बात काम है। और अभी नन्नू को आइसक्रीम खानी है जो काम हो रही है, फिर भी दीदी छोड़ी है इधर, मैं कहा अंकल नहीं छोड़े हैं। आइसक्रीम
देखो हम क्या कैसे खा रहे हैं, मम्मी मम्मी खा रहे हैं। और ये ब्रिज जो है इतना पहले जब हम पिछली बार गए थे तो पूरा यहाँ तक पानी था, जहाँ तक आपको पेड़ दिख रहे हैं यहाँ तक पानी था, और अभी इसमें आधा भी पानी नहीं बचा, आधा क्या 1% भी पानी नहीं बचा इसमें। जब पिछली बार हम गए थे तो पूरा ऊपर तक पानी जा रहा था इसमें, उस टाइम बरसात का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा पानी बहके जा रहा था, बिल्कुल भी इतना डर लग रहा था इसके ऊपर से निकलने में भी कि कहीं गिर ना जाए करके। बट पिछली बार ज़्यादा मज़ा आया देखने में क्योंकि फुल भरा हुआ था, आपकी बार इतना पानी नहीं था इसके अंदर। और अभी एक दीदी मिल गई थी, इनकी वजह से मेरे बच्चों का पेट भरा था रात में, क्योंकि मैं खाना लेके गई थी, वो ऑलमोस्ट खाना था हमारे पास, बट पूरी वगैरह तीन चार टाइम तक आप नहीं खा सकते। तो ये पुलिस वाली दीदी आई थी हमारे पास और इन्होंने मेरे बच्चों को खाना दिया, अपना टिफिन दिया, फिर उन्होंने खाना खाया। और इनकी ड्यूटी थी इस ट्रेन में, तो जो रहती है ना ट्रेन में ड्यूटी रहती है, तो ये लोग इधर से घूमते करते रहते हैं, तो ये हमारे पास ही बैठ गई थी। तो अदिति नन्नू को इन्होंने अपना टिफिन दिया, राइस थी, चपाती थी घर की और दाल थी, बहुत अच्छा लगा खाना। और अच्छा हुआ दीदी ने खाना दिया, क्योंकि अगर हम तो एडजस्ट कर लेते बाहर के खाने से भी, बट अगर दीदी खाना नहीं देती तो मेरे बच्चे उस टाइम भूखे सो जाते, और भूखे आपको पता है कि बच्चे नहीं सो सकते, नींद भी नहीं आती। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज अभी जो है हम लोग बस में बैठ चुके हैं और चेन्नई उतर चुके हैं, मतलब तो चेन्नई हमको बस मिल गई थी टाइम से ही, जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हमको बस मिल गई थी, फिर हम लोग आराम से पहुँच गए थे। हम लोग बस में बैठ गए, बस में समुद्र का पानी लेते हैं, उसको गड्ढे में भरते हैं और फिर जैसे जैसे वो सूखता जाता है समुद्र का पानी, उसमें नमक बनता जाता है, फिर इनको फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर फैक्ट्री से हमारे घर में आता है। तो आई होप आपको आज का छोटा सा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।